तो कैसे हैं भाई लोग, जुड़े रहिएगा यूं ही वीडियो में अंत तक। और दिखा रहे हैं आपको कि इसमें विधवा औरतों की साड़ी कैसे बनाई जाती है। और यही हमारे अनीश भाई फोल्डिंग कर रहे हैं, तो सोचे कि ये क्लिप आपको दिखा दे। थोड़ा छोटा सा ही वीडियो होगा, बट आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से विधवा औरतों की साड़ी यहाँ पर बनाई जाती है और क्या क्या मटेरियल लगता है इस साड़ी को बनाने में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो आप वीडियो में ऑन एंड तक जुड़े रहिएगा। और ये भी दिखाएंगे भाई कि कैसे यहाँ पे ब्लाउज का जो पीस होता है, देखिए यहाँ पे एक फैन लगी है जो कि ये लोग जिनको राहत मिल सके गर्मियों से, ठीक है। तो ब्लाउज का जो पीस होता है ना, वो भी यहाँ पे रेडी होता है, देख सकते हैं। यहाँ पे फोल्डिंग की हुई है ये सब साड़ी। ये सब हमारे मार्केट में जाएगा ना, यूपी बिहार ऐसे अन्य क्षेत्र में जाएगा ना, तो इसका 700 600 रुपए का ये साड़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस साड़ी की कीमत पूछ जाए तो 100 रुपया, 120 रुपया, 130 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी ये साड़ी, ठीक है। यहाँ पे सूरत की बात करें तो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ब्लाउज का पीस भी मिल जाएगा, जो विधवा औरतों की व्हाइट व्हाइट सब होता है ना, उसी लिए। देखिए नॉर्मल साड़ी आपको वीडियो में दिख रही हो कि नॉर्मल कितना नॉर्मल साड़ी है ये आपको दिख रहा होगा। और उधर देख सकते हैं कि कॉलम कापी सब रखा है ना, वो सब हिसाब करने के लिए रहता है कि साड़ी कितना कैसे आया, कितना बेकार हुआ, कितना अच्छा हुआ। देखिए यहाँ पे ब्लाउज का पीस के लिए है, ये सामने व्हाइट व्हाइट दिखा वो ब्लाउज का पीस है। और इसी तरह से अनीश भाई फोल्डिंग कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इस साइड चेक होता है कि साड़ी कोई कारीगर तो ख़राब तो नहीं किया है ना, इसी पे घिंच घिंच करके चेक करते हैं। इस साइड चलते हैं मशीन पे थोड़ा। ये थी भाई मशीन की आवाज़, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जरी, इसका नाम है जरी, और इसका नाम है नायलॉन, और इसका नाम है रेड, और इसका नाम है बी ग्रीन, और ये व्हाइट है। मतलब इतने प्रकार का गोला है जो कि मेरे माइंड में छप चुका है, इसीलिए इतना स्पीड में मैं बोल दिया कि कौन सा गोला कहाँ पर लगेगा। यहाँ पर दिखाई दे थोड़ा सा, ये सब है जो देख सकते हैं कि यहाँ पर चेक कैसे हम लोग करते हैं कि कितना साड़ी बन गया है, कितना साड़ी बाकी है। रुकिए ब्राइटनेस थोड़ा कम करने दीजिए। देखिए 10 साड़ी में से 2 साड़ी बन गया है। देखिए यहाँ पे 10 साड़ी, उसमें से 2 साड़ी बन चुका है, देखिए दिखा रहा है ना। और ये 10 पूरा कंप्लीट होते ही मशीन ऑटोमेटिक से बंद हो जाती है, ठीक है। और इस कंप्यूटर में देखा जाता है कि कौन कारीगर कितना चला है। देखिए मैं चलाया हूँ 94.6%, इसका मतलब अभी 81,712 मशीन चली है। इसको देना होता है 2 लाख से ऊपर, 2 लाख तक लास्ट दे दो ना तो कोई भी कारीगर मतलब सक्सेसफुल मतलब बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बिनाई हो रही है। लड़कियाँ और औरतें जो भी साड़ी बिनती हैं ना, तो वो यार छोटा छोटा, लेकिन ये देखिए ये विधवा औरतों की साड़ी नहीं है, ये कुछ अलग साड़ी है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि ये लाल हरा लगा है ना, तो और ये सिलाई मशीन के तुलना में बहुत आगे है। ये मशीन देख सकते हैं कि ये इटमा कंपनी की है, इस कंपनी का नाम है इटमा, जिस मशीन से ये बुनाई हो रहा है ना, इसका नाम है इटमा। देख सकते हैं कि डिज़ाइन भी काफ़ी मस्त भरा है, और इसमें 3-4 प्रकार का गोला लगा करके बनाया जा रहा है, छः प्रकार का गोला लगाकर बनाया जा रहा है। देख सकते हैं ये रीड है भाई, एक बार अगर हाथ में लग जाए तो हाथ फिर गया, जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा, नहीं हाथ से हाथ धोना पड़ जाएगा, सॉरी। यहाँ पे है कटर जो कि 3 भागों में डिवाइड करता है, ये काटता है 3 भागों में। देखिए एक इधर साड़ी हो गया, एक उधर साड़ी हो गया, फिर एक उधर साड़ी हो गया, ठीक है। 3 साड़ी करता है ये काट काट करके, और इधर लास्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से रीड आ जा रहा है। 325 RPM है इसका, इस मशीन का RPM 325 है। RPM का मतलब ये होता है स्पीड, कितना स्पीड चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे बंद चालू, देखिए बंद और चालू, ठीक है। यहाँ पे है आगे पीछे करने वाला बटन, ठीक है। और ये है इमरजेंसी स्टॉप, और देखिए वहीं पे साइड में लिखा हुआ था इटमा। देख सकते हैं कि मशीन की लुक भी काफ़ी अच्छी है, और ये पिछले साल मशीन बैठी हुई है, ठीक है। ये सूरत में काफ़ी दिनों से ये सब मशीन वर्किंग कर रही है, और इसका मार्केट भी काफ़ी चलता है, ठीक है। तो अभी देखिए इधर से व्हाइट व्हाइट दिख रहे ना साड़ी, लेकिन इसके उल्टा देखेंगे ना अगर साड़ी पलट करके, तो अलग टाइप की साड़ी बनाई है, ठीक है। इधर देख सकते हैं फिर से विधवा औरतों वाली साड़ी दिख गई, एक नीचे ऊपर वाला डिजाइन वाला है, लेकिन ये नीचे जो रेकर रखा है ना, ये विधवा औरतों के लिए साड़ी है। चलिए कुछ और दिखाते हैं, थोड़ा बीम के तरफ चलते हैं, बीम इसका कैसा है वो भी दिखा दे आपको थोड़ा। चलिए आगे पीछे, चलिए पीछे चलते हैं, आगे तो पूरा दिखा दिए। देखा जाए भाई, देखे ना आप कैसे आवाज़ कर रही है, ये मशीन आवाज़ें इतना करता है ना कि मतलब लोगों से कितने लोग आते हैं ना, कितने लोग आते हैं तो ये छोड़ देते हैं काम, इसीलिए छोड़ते हैं ना, क्योंकि आवाज़ बेहद लोगों को, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है इसका, काफ़ी आवाज़। मान चलिए कि गाँव का 3 जनरेटर और एक ये मशीन। चलिए आगे चलते। और इधर देखिए थोड़ा ये साड़ी के साइड में यहाँ पर दिख रहा है, देखिए अब थोड़ा ये ब्लाउज का पीस दिखा दे, एकदम व्हाइट, एकदम व्हाइट। अब आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाइट पहनकर तो कोई शादी विवाह या किसी फंक्शन में नहीं जा सकता ना भाई। तो भाई वीडियो तो हम जानते हैं थोड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये एक टॉपिक था, हम भी नहीं जानते थे कि भाई साड़ी यहाँ पे ही मिलती है, ये जो विधवा औरतों की साड़ी होती है ना यहाँ ही मिलती है, लेकिन मिल गई। चलिए अच्छा हुआ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेंगे अभी मार्केट का वीडियो अगला आने वाला है और धमाल करेंगे, ठीक है, जुड़े रहिएगा यूँ ही। अगले टॉपिक पर मिलते हैं, छोड़कर मत जाइएगा चैनल, अभी हारेंगे नहीं।